आया, ये जॉब्स क्रिएशन के बारे में, ये पूरे एक एजम्पशन बेस डेटा है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट इस बात से वाकिफ है कि एम्प्लॉयमेंट का जो वादा, 2 करोड़ वादा जो किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। और सिर्फ ये कह देना कि इतनी गाड़ियां खरीदी गई, इतनी लारियां खरीदी गई, नौजवान आज भी रोजगार से महरूम है। ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है और आप देखेंगे कि इसका खमियाजा उस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा जब भी आइंदा पार्लियामानी चुनाव हो। तो सिर्फ ये कहकर बता देना कि एजम्पशन डेटा देना गलत है, इसको कोई देश का कोई भी नौजवान इस प्राइम मिनिस्टर के इस डेटे को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। रहा सवाल एनआरसी का, तो खुद बीजेपी के प्रेसिडेंट घुसपैठी कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको घुसपैठी नहीं कहती। तो ये जो हो रहा है, एक तरफ एक बात और दूसरी तरफ एनआरसी की बात करना, एनआरसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नफरत की फिजाओं का इजाफा किया जाए। 40 लाख अगर लोग इसके नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनको पूरे मौका मिलना चाहिए। तो एक तरफ अमित शाह उनको घुसपैठी कहते हैं, अक्सर ये की है कि नफरत पैदा की जाए।